हेलो रिमन तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी हैं प्रेसिडेंट जो हैं सबसे ऊपर आते हैं लिस्ट में उसके बाद आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं ठीक है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बौ किया गया है कहाँ से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से तो अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट का लिया गया है और ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं तो देखिए पार्ट फाइव कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारे संविधान का जो भाग पाँच है उसमें डिस्कस किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो कि आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73 के बीच में आता है आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73 के बीच में क्वालिफिकेशन दी गई है क्या क्वालिफिकेशन होंगी एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैसे उनका इलेक्शन किया जाएगा क्या प्रोसीजर होगा इलेक्शन का उनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर होगा तो ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में डिस्कस की गई हैं ठीक है जो कि पार्ट फाइव में है तो आर्टिकल सिक्सटी थ्री कहता है कि दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहता है आर्टिकल सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर कहता है कि स्टेट शैल द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे कहाँ के राज्यसभा के सिक्सटी फाइव कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट सेल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड और आर्टिकल सिक्सटी फाइव ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा जब राष्ट्रपति की जगह खाली हो जाएगी ठीक है जब राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी खाली हो जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगह ले लेगा किसकी प्रेसिडेंट की जब तक नए राष्ट्रपति का चयन नहीं हुआ था तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे ये कहता है आर्टिकल सिक्सटी फाइव बात करते हैं आर्टिकल 66 की तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है उसी तरह आर्टिकल 67 में इनके टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है आर्टिकल 68 में वाइस प्रेसिडेंट की सीट की वैकेंसी की बात की गई है और आर्टिकल 69 में बात किया गया है इनके ओथ एंड एफॉमेशन की जो ये शपथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल सेवन जो आर्टिकल सेवेंटी वन है वो डील करता है रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट से संबंध के इनका जो इलेक्शन है उसके संबंध में आर्टिकल सेवेंटी वन बोलता है तो पहले इलेक्शन देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो जैसे प्रेजिडेंट का इलेक्शन था इंडायरेक्ट वैसे ही इनका भी इलेक्शन जो होता है वो इंडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं ठीक है, है? इंडरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं उसके अलावा इलेक्टोरल एलेक, कॉलेज के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेम्बर्स होते हैं और जो वोट का जो पैटर्न है वही है सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई ए सिंगल ट्रांसलेबल वोट एंड द वोटिंग डन बाई द सीक्रेट बैलेट जैसे राष्ट्रपति में होता है सेम यही चीज़ इनमें भी होता है अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट्रल कॉलेज की बात करते हैं कि इनके इलेक्टरल कॉलेज में कौन कौन हो लोग होते हैं तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेम्बर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली तो देखिए जैसे प्रेजेंट का के केस में क्या था कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे जैसे प्रेजेंट में क्या था कि जो लोकसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स ठीक जो राज्यसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और जो स्टेट लेजिस्टिव असेंबली हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि सिर्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा के जो स्टेट की जो लजिसलेटिव असेंबलीज हैं स्टेट लेजिटिव असेंबली जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी लेकिन यहाँ पर क्या था कि प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्टिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ठीक है अब देखिए कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाता है ठीक है तो सेम चीज़ यही राष्ट्रपति के केस में भी था कि जो भी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर के तो जो जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का वही फाइनल होगा उसके बाद इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करता है और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है यही कंडक्ट करता है द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन सिक्सटी डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट और साठ दिन के अंदर अंदर जो है अगर टर्म एक्सपायर होने के साठ दिन के अंदर अंदर जो है इनका इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो होना चाहिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो पहला है कि भारत के नागरिक होने चाहिए पैंतीस साल इनकी उम्र होनी चाहिए उसके अलावा ये क्वालिफाई हों राज्यसभा के मंबर बनने के तो अगर वो राज्यसभा के मंबर बन सकते हैं तो सीधी बात है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो लेकिन जैसे कि तो प्रेजिडेंट में क्या था कि प्रेसिडेंट में था कि अगर वो क्वालिफाई कर रहे थे लोकसभा के मेंबर की अगर, अगर कोई पर्सन लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड है तो वो प्रेजिडेंट बन सकता है अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड है तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है उसके उसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न किए हों चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह ना करते हो द नॉमिनेटेड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब एटलीस्ट ट्वेंटी इलेक्टर्स तो अब देखिए कम से कम बीस लोगों के द्वारा जो है सहमति जताई जाएगी कि हाँ भैया ये प्रेसिडे चुनाव वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होंगे और इनको जो है पंद्रह हज़ार रुपये अरबी आई में जमा कराने पड़ेंगे तो ये क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अब बात करते हैं इनके ओत की इनकी शपथ की तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ठीक है तो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब इन ओथ अशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी पर्सन अपॉइंटेंड बाई बिहाफ ऑफ हिम तो या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी पर्सन को अपॉइंट करता है मान लीजिए कि आप जो है वाइस प्रेसिडेंट का शपथ दिलाइए तो राष्ट्रपति भी शपथ दिलावा सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई जो एक पर्सन uh, अपॉइंट किया गया है वो भी वाइस प्रेसिडेंट को शपथ uh, दिलवा सकता है बात करते होंगे ऑफिस के कंडीशन की तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ठीक है ना तो ये लोकसभा के मेंबर होंगे और ना ही राज्यसभा के मेंबर होंगे ठीक है या स्टेट लजिस्टेटिव असेंबली जो है हमारी उसके भी मेंबर ये नहीं होंगे तभी ये जो कंडीशन फुलफिल करेंगे वाइस प्रेसिडेंट बनने की जैसे सेम था प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो लोकसभा राज्यसभा या स्टेट लजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए इन द इवेंट दैट एनी सच इंडिविजुअल चूजन वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन आता है कि कोई भी पर्सन है मान लीजिए लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है तो वो जो होगा वो अपने पद से जो है एक तरह से रिज़ाइन करेगा ठीक है टू हैव एम्पी सीट इन द हाउस ऑन डेट ऑन विच ही इंटर्स अपन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो जिस दिन उसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट वो बनेगा उसी दिन जो है उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा तो अपनी सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी उसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट जो है होल्ड ना कर रहा हूँ किसी भी सरकारी नौकरी वगैरह में इन्वॉल्व ना हो तो वो जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं बात करते हैं इनके टर्म ऑफिस की तो वाइस प्रेसिडेंट जो है पाँच साल तक रहते हैं इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है पाँच साल है और उसके अलावा देखिए रिज़ाइन कर सकते हैं किसी किसी भी टाइम जब इनका मन गया तो रिज़ाइन कर सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देंगे ठीक है ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड his टर्म ऑफ फाइव ईयर्स अनली successor टेक्स ऑफिस और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में मान लीजिए इलेक्शन लेट हो है कुछ हुआ तो उस कंडीशन में ये पाँच साल से ज़्यादा के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं ठीक है जब तक अगला जो वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं इलेक्ट हो जाता है तब तक अगर मान लीजिए पाँच साल से ऊपर भी इनका टर्म बढ़ाया जा सकता है अगर इलेक्शन नहीं हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का तो ही ऑल्सो कैन हैव द राइट टू बी री जैसे कि प्रेसिडेंट का केस में था कि एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया है ठीक है तो बार 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 एक बार दो बार तीन बार कई बार प्रेसिडेंट बन सकता है ठीक है कोई इसका लिमिट लिमिट नहीं है उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है एक बार बन गया तो कई बार बन सकता है लेकिन जैसे हम देखेंगे तो अमेरिका में हमें यू में देखने को मिलता है कि अगर दो बार कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद नहीं बन सकता ठीक है जैसे बराक ओबामा दो बार प्रेसिडेंट बने उसके बाद फिर वो चुनाव में नहीं खड़े हो पाए लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम है चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो वो कितने बार भी बन सकते हैं अगर वो एक बार इलेक्ट हो चुके हैं तो वो कितने बार ही बन सकते हैं बात करते हैं इनके वैकेंसी की कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट कैसे खाली होगी तो वैकेंसी जो है इनके प्रेजेंट ऑफिस में कई तरीके से हो सकती है ऐसे इनका मान लीजिए पाँच साल पूरा हो जाता है ये रिज़ाइन कर लेते हैं रिज़ाइन मान लिए ये अपना रिजिगनेशन दे देते हैं उसके अलावा अगर जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इनको रेजोलूशन पास करके इनको रिमूव कर दिया जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है या जो इनका इलेक्शन है उसको गलत घोषित कर दिया जाता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि भैया जो चुनाव हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था ठीक है इसके अलावा जो मानी संविधानों का नहीं मानते तो इनको डिस्कवालीफाई किया जा सकता है तो उसके तहत भी जो है इनकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी बात करते हैं इनके पावर फंक्शन की तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वो एक्स ऑफिस चेयरमैन है राज्यसभा के और उनकी जो पावर फंक्शंस हैं जैसे एक स्पीकर के लोकसभा में जो पावर होती है वैसे ही राज्यसभा में जो है वाइस uh, प्रेसिडेंट की पावर होगी जैसे स्पीकर की लोकसभा में है ठीक है इन द इवेंट ऑफ द प्रेजिडेंट्स इन एबिलिटी टू वर्क ड्यू टू एनी रीज़न अगर मान लीजिए राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार पड़ गया या किसी भी कारण की वजह से वो उनकी सीट खाली खाली रहती है मीन वो काम नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो खाली हो जाएगी तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं द ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द इंडियन स्टेट और इस चीज़ को क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कभी खाली नहीं होनी चाहिए तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं हाए एवर दिस इज द ओनली फॉर सिक्स मंथ्स लेकिन ये चीज़ जो है केवल छः महीने के लिए है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसको चुनाव होना चाहिए तो किसी भी कंडीशन की वजह से लीजिए डेथ हो गया या कुछ भी हो गया प्रेसिडेंट का तो यहाँ पे जो है बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उस समय जो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे भारत के वो बन सकते हैं प्रेसिडेंट वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट जब देखिए जब प्रेसिडेंट बनेंगे या जो प्रेसिडेंट के फंक्शन वगैरह डिस्चार्ज करेंगे तो डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जब वो प्रेजिडेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उसके फंक्शन उसकी ड्यूटीज़ जो है वो नहीं परफॉर्म करेंगे और इस पीरियड में जो है दो ड्यूटियाँ परफॉर्म बाई द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और उस समय जो ये ड्यूटी है वो जो 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 डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा की वो परफॉर्म करेंगे जिससे ईजीवी में समझिए कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है ठीक है तो जो उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति बन गए तो जो राष्ट्रपति अब वो बन गए तो पहले तो भाई वो राज्यसभा में एक तरह से चेयरमैन का काम करते थे तो अब जो चेयरमैन का जो काम है वो डिप्टी चेयरमैन करेंगे ठीक है तो और यहाँ पे और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस जो स्पीकर की सीट खाली होती जो लोकसभा में स्पीकर की सीट खाली होती तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये चले जाएंगे अपना फंक्शन करने के लिए ठीक है स्पीकर की सीट खाली होगी तो चेयरमैन जो है ज्वाइंट सीटिंग वगैरह नहीं ले सकता है ठीक है अब जैसे कि यहाँ यह है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और जो भी इनकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो परफॉर्म करेंगे काम जो कर कौन करेगा तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के वो करेंगे इनका काम अब बात करते हैं इंडिया और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो दो द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज़ मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट देखिए भले ही अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लाइन पे इसको बनाया गया है लेकिन बहुत डिफरेंस है इसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सी प्रेसिडेंसी वेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इस प्रेसिडेंसी तो देखिए जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं अगर uh, मान लीजिए कि उनकी सीट खाली भी जाती है तो अपने टर्म एक्सपायर होने तक जो है वो रहेंगे प्रेसिडेंट लेकिन जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है ऑन द अदर हैंड डज नॉट एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल वैकेंट फॉर द अनएक्सपायर टर्म लेकिन अगर इनका ऑफ़ इनका टर्म खत्म हो गया मान लीजिए कि जैसे ये बने पाँच साल के लिए बने ठीक है तो अगर पाँच साल इनका खत्म हो गया है तो अभी ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ठीक है लेकिन वहाँ पे क्या है अमेरिका में कि अगर टर्म इनका खत्म भी हो गया जब तक अगला चुनाव नहीं होता तब तक वो बने रहेंगे ठीक है तो यहाँ ये चीज़ है ही एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑन न्यू प्रेसिडेंट अम्यूज चार्जेस तो सिर्फ वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट जो है वो चार्ज न ले ले फ्रॉम अब इट इज क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइन एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट इन इन दिस इन दैट कैपेसिटी तो इस कैपेसिटी में जो है वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई खास फंक्शन वगैरह नहीं है सम कॉल हिम हिज हैस हाइनस इसीलिए कुछ स्कॉलर्स के द्वारा हिज फ्लॉस हाइनस बोला जाता है दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेन्टेन द पोलटिकल कॉन्टीन्यूटी इन द इंडियन स्टेट तो ये जो ऑफिस है वो सिर्फ क्रिएट किया गया है कि एक जो पोलिटिकल कॉन्टीन्यूटी है इंडिया में वो बनी रहे इसी के लिए ये क्रिएट किया गया है अब बात करते हैं कि कैसे रिमूव हो होंगे ठीक है जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव uh, होते हैं तो वैसे ही अ फॉर्मल इंपीचमेंट लाइक इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई इम्पीचमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है ठीक है कमेंट में ये बताइए कि प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई ए रेजोल्यूशन रेज ऑनली इन द राज्यसभा तो राज्यसभा में जो एक है सीधे एक रेजोल्यूशन रेज करके पास बाई इफेक्टिव मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा जो कि 50 परसेंट से ज़्यादा हो सपोज करिए कि मीन्स 100 लोग हैं ठीक है और मान लीजिए कि कुछ सीटें जैसे यहाँ कुछ वैकेंसी की बात हो रही है मान लीजिए कुछ सीटें वैकेंट है दो लोग एबसेंट हैं इसमें तो अगर नाइन्टी एट लोग हैं तो नाइन्टी एट लोगों में से कम से कम फिफ्टी प्लस ठीक है फिफ्टी प्लस अगर लोग हाँ बोल देते हैं तो इनको रिमूव किया जाएगा ठीक है एंड एग्रीड बाई ए सिंपल मेजोरटी यहाँ सिंपल मेजोरिटी से दैट इज़ ग्रेटर दैन फिफ्टी परसेंट टोटल वोटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और लोकसभा के एक सिंपल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जा सकता है ठीक है मीस राज्यसभा में इनका जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो इनिशिएट कहाँ होगा वो राज्यसभा में इनिशिएट होगा ठीक है और अगर फिफ्टी परसेंट अब मेजोरिटी से अगर लोग इनको निकालने के लिए सहमति दे देते दे हैं दे, तो फिर जाएगा लोकसभा में फिर लोकसभा में भी एक सिंपल मेजोरिटी से जो है अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा प्रायर टू पासिंग द रेजोल्यूशन इन राज्यसभा ए डे नोटिस शुड बी सर्व टू द वाइस प्रेसिडेंट जैसे चौदह दिन की नो, नोटिस जो है आ, आ, प्रेजिडेंट को मिल, मिलती थी इम्पीचमेंट के पहले वैसे ही चौदह की नोटिस जो है इनको भी दी जाएगी उसके बाद ही इनका रिमूवल किया जाएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग